मैडम कितना टाइम हुआ? 5 बज रहे हैं। अरे 5 बज गए, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली होगी। मैडम ये पकड़ो आप जल्दी, ये लो आईफोन। अबे वो भिखारी, तेरे पास इतना सारा पैसा और आईफोन कैसे? अरे मैम क्या हुआ है, कभी आईफोन देखा नहीं क्या? तो देखा है, लेकिन ये सब तेरे पास क्या कर रहा है ये चीज जान के मैं हैरान हूँ। हाँ बताऊँ सब, एक मिनट। और एक मिनट, तेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है तो जैसे भिखारी की भी गर्लफ्रेंड है। आई कांट बिलीव। भिखारी का मैडम कमाता हूँ 1,00,000 रुपए? यार ऐसा कैसे, मुझे बताओ ना कि मुझे भी कमाने हैं। मैं भीख मांगता हूँ एक जगह और मुझे दिन के 1,00,000 रुपए मिलते हैं। कैसे? बाकी रख लेना। अरे रुको, तुमने बोला था कि तुम मुझे बताओगे, प्लीज बताओ ना। चिल्लाओ मत, सबको इसकी मैं बता दूंगी। देखो मैं एक जगह भीख मांगता हूँ, वहाँ मुझे डेली के 1,00,000 रुपए मिलते हैं। 1,00,000 रुपए मिलते हैं? यार मैं जॉब करती हूँ, मुझे तो मंथ का सिर्फ 10,000 रुपए मिलता है। मेरे को 1,00,000 रुपए मिलने लगे, सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। यार प्लीज मुझे बताओ ना कि तुम इतने सारे पैसे कैसे कमाते हो। हाँ चलना। हाँ देखो मैं लड़का हूँ, मुझे तो 1,00,000 रुपए मिलते हैं, आप तो लड़की हो, आपको 2,00,000 रुपए मिलेंगे। यार तुम मुझे जगह पे लेके चलोगे? हाँ ये जल्दी कपड़े पहनो, रेडी हो जाओ। और मुझे करना क्या होगा? अरे वही भीख मांगनी पड़ेगी बस, ये कपड़े पहनो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। देखो अब तुम लग रही हो भिखारी, यहाँ यहीं पे भीख मांगना ठीक है बैठ के। अरे सुनो ना, अब मुझे 1,00,000 रुपए तो मिल जाएंगे ना। अरे तुम पागल हो क्या यार, 1,00,000 तो लड़की और मासूम भी लगती हो, तुम्हें पूरे 2,00,000 रुपए मिलेंगे। चलो मैं चलता हूँ, भीख मांगना अच्छे से। ठीक है। दो दिन से कुछ नहीं खाया, कोई गरीब की मदद करो। सब खाने को दे दो कुछ, सब 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे टच कैसे किया? तू यहाँ पर भीख मांगने के लिए बैठी है, लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए? नहीं नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं छेड़ा, मैं तो बस खाने के लिए मांग रही थी साहब। अच्छा खाना नहीं खाया, इसका मतलब तू यहाँ पर बदतमीजी करेगी? भिखारी हो तो भिखारी रह के ना अपनी औकात में रहो। साहब आप मार दे रहे, मैंने तो बस खाने के लिए मांगा था आपसे। तूने मुझे टच कैसे किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई टच करने की? मैंने आपको नहीं छेड़ा साहब, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने बस खाने के लिए मांगा था आपसे। क्यों मिल गए 2,00,000 रुपए या 5,00,000 रुपए? तुमने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर पैसे मिलेंगे, लेकिन लोग मुझे मार रहे हैं। अच्छा बेवकूफ, एक दिन के किस गरीब आदमी को पूरे 1,00,000 रुपए मिलते हैं? ये सब हमारा प्लान था ताकि तुम्हें मजा चखा सके, तुम्हें सबक सिखा सके। मुझे सबक सिखा सके? मतलब ये कि एक दिन पहले जब उन गरीब अंकल के साथ तुमने ऐसा किया, समझ आया उन्हें कैसा फील हुआ होगा? अबे थोड़े उनके बुड्ढे दूर हट। अरे मैडम हम तो ये उठा रहे थे। वो तो उठा रहा था, मेरा तुम जैसे बुड्ढों को बहुत अच्छी तरीके जानती हूँ, तुम लोग लड़कियों को छूने का बहाना ढूंढते हो। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं यार, ये लड़की अंकल के साथ कैसे बदतमीजी कर रही है? और वैसे भी तुम तो हमारी बेटी। क्यों? अबे आप बुड्ढे खाम खा के रिश्ते मत जोड़ मुझसे, और तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। बेटा तुम मार के रहो, इतनी बड़ी गलती तो हमने नहीं करी थी। क्यों मार रही हूँ? गलती गलती नहीं, तूने पाप किया पाप, और ये पाप ना दोबारा कर मत दियो, चल दफाओ। यार इन जैसे लोग बात गरीबों पे इतना अत्याचार करते हैं, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। समझ गया सैम इसका क्या करना है, बाकी तू समझ गया ना? हाँ मैं मिलता हूँ तुझसे। चल चल तो भैया आ, तू मेरे साथ आ। जो तुमने उस गरीब हमने तुम्हारे साथ किया, अब तुम्हें जरूर रियलाइज हुआ होगा कि तुमने उस गरीब के साथ कितना गलत किया। उस इंसान ने तुमसे मांगा क्या था, वो तो अपनी बोतल उठाने के लिए आया था ना, और तुमने क्या किया, इतना मारा और उसके साथ इतनी बदतमीजी की। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शकल से तो अच्छे पढ़े लिखे लगते हो, इतना नीचे गिर गए। देखो मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने उन अंकल से जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उनसे जाके माफी मांगूंगी मैं अभी, लेकिन प्लीज तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। हाँ बिल्कुल सही कहा, जाओ उनसे माफी मांगना, और हाँ तुम्हें अपनी गलती का एहसास है उतना ही बहुत है, चलो जाओ अब यहाँ से।